नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बादाम के क्या फायदे हैं, और खासकर बादाम पुरुषों के लिए। जी हाँ, ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत फायदा देती है अगर आप बादाम खाते हैं तो। बादाम अगर आप खाते हैं तो पुरुषों में जो ये रोग होते हैं ना, वीर्य सखन, शीघ्र पतन, मर्दाना ताकत में कमी, नपुंसकता, इस तरह की बीमारियां जो है वो बादाम दूर करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें, कैसे खाएं, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को लेते हैं तो आप बढ़िया रहते हैं। मर्दाना ताकत, आदमी, हर आदमी चाहता है कि मैं मर्द दिखूं, मर्द बनूं, अपने बिस्तर पर अपने पार्टनर के सामने मैं मर्द दिखाई दूं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। बादाम में खून साफ करने की ताकत होती है, साथ ही ये खून को बढ़ाने का भी काम करता है, और बादाम वीर्य के दोष और गर्वी को खत्म करके नया वीर्य बनाता है। तो बादाम खाना चाहिए, बादाम बहुत अच्छी बात है। अब आप कहेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। क्या करना है कि रात में 10 बादाम का छिलका उतार कर 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर रख दें। सुबह खाली पेट बादाम और शहद को बारीक चबा चबा कर खाएं। इसे चबाना इस तरह से कि मुख के अंदर ये पेस्ट बनकर जाए, और लंबे समय तक अगर आपको जवान रहना है तो आपको ये बादाम और शहद खाना है। सिलबट्टे पर 10 बादाम पीस लें और थोड़ा सा केसर मिला लें, और फिर इसे पीसे, इसे नित्य पिए। सर्दियों के मौसम में 5 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम बादाम, 5 ग्राम मिश्री और सिके हुए काले चने करीब 15 ग्राम मिलाकर रोज खाइए, देखिए फिर आपकी ताकत। जिन पुरुषों का, जिन भाइयों का, दोस्तों का, मित्रों का वीर्य जल्दी निकल जाता है, वो क्या करें, 6 काली मिर्च ले, 6 बादाम ले, 2 गरम सौंठ ले, और आधी मुट्ठी चने और मिश्री, इन सबको मिलाकर इसका सेवन करें। ध्यान रहे आपको इन्हें बारीक चबा कर खाना है, बाद में 1 गिलास दूध पिए। इस उपाय से आपको बहुत फायदा मिलेगा, और संतान प्राप्त करने के लिए भी बादाम बहुत फायदेमंद है। जो पुरुष हमारे, जिनको संतान की दिक्कत है, वो संतान के लिए एक औषधि छोटी सी है कि अगर आप 60 ग्राम छोटी इलायची, 50 ग्राम खसखस, खसखस 100 ग्राम मिश्री और 200 ग्राम बादाम के लिए इसको अच्छे से मिलाकर पीस लें। 3 चम्मच रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ सेवन करें। इस उपाय को लंबे समय तक करें, तभी आपको फायदा होगा। आपके शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए बादाम बहुत काम करता है। उसके लिए आपको 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम खसखस और 100 ग्राम सफेद तिल, इनको कूट ले और बाद में 300 ग्राम बूरा मिलाकर गर्म दूध के साथ रात को सोने से पहले पकी लें। इससे भी आपके शुक्राणु बढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया कि अगर आप मजबूत रहना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, आप चाहते हैं कि आप अपने बिस्तर पर मजबूत रहें, आपका पार्टनर आपसे खुश रहे, तो छोटे छोटे नुस्खे जो हमने आपको बताए, इन औषधियों का इस्तेमाल कीजिए। जवान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टिप्पणियां तो आपकी बनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे 2 चैनल भी हैं, शुरुआत जी और शुरुआत जी सुप्रभात, यहां पर भी आपको कुछ जानकारियां मिल सकती हैं, जाइए देखिए, आनंद लीजिए। और अगर आपको कहीं कोई शक, शुभा, शंका है तो किसी भी चीज को लेने से पहले आप अपने चिकित्सक से और या परामर्श ले सकते हैं, उसके बाद आप इसे शुरू करें। अदरवाइज अगर आपको अपने पर फेथ है और चीजों पर फेथ है तो थोड़ा सा तैयारी कर सकते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।